दोस्तों, अच्छा अब मैं वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि डिस्कशन ऐसी है कि कंप्रेसर के बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं, तो वीडियो आपको दूसरी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, वो लंबी बहुत हो गई थी। अच्छा अब आते हैं इसके अंदर, इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, इसको चलाना कैसे है, इसका तरीकेकार कैसे है, ये सारा कुछ आपने अब सीखना है मेरे से कि मैं इसको करना क्या है। ठीक, ये बहुत वन टाइम आपको एक दफा समझ आ गई इसकी तो आपका शुगल हो जाएगा, मामूली से काम है बस वो खोला। वो जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर इतने ओरिंग्स होते हैं, अपना जो पंप होता है उसके अंदर इतने ओरिंग्स होते हैं कि आपको समझ नहीं आती है क्या है क्या नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ जितना सिंपल कंप्रेसर होगा उतना बेहतरीन चलेगा, उतने उसके मसले मसाइल कम होंगे। जितनी आप कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे, ऑटो रिलीज, ऑटो स्टॉप, ऑटो एयर, उसके एयर रिलीज वाला होता है, ये तीन वर्जन है इसके, एक एक वर्जन ये है, चार टोटल वर्जन हो गए। ठीक हो गया। अच्छा उसमें क्या होता है कि वो उसके ओरिंग ज़्यादा डलेंगे, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगी, और फिर वो कभी ये मसला कभी वो मसला, वो मिलेगा नहीं, फिर आप परेशान होंगे। कोशिश करें सिंपल वर्जन लें, ये सिंपल सबसे पहले वर्जन आया था, ये सिंपल तरीन वर्जन है, इसमें मुझे तकलीफ ही नहीं हुई सिरे से। ठीक है, दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा बड़ी खास, जो है वो इसमें मसले क्या आते हैं और करने क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या है, जब आपने इसे स्टार्ट करना है तो इसका जो बटन ऑन करना है गन भरने से पहले, तो आपका ये जो ब्लीड वॉल है ये बाहर आना चाहिए और ये ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे ऑन करता हूँ, एक सेकेंड। अभी इसका पानी चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो हल्के हल्के बुलबुले जा रहे हैं, थोड़ी देर तक जो है ना इसका पानी वह निकल गया, थोड़ी देर तक अब ये पानी चलना शुरू हो गया इसका। ठीक हो गया, मैं अभी इसको ऑन करूँगा। ठीक है, और ऑन करूँगा और गन के साथ ये फिलिंग प्रॉप लगानी है, फिलिंग प्रॉप लगानी है, गन के साथ लगा दिया, ओके हो गया। ठीक हो गया, स्टेप वन ये आपका बायर होना चाहिए जब आपका इसका बटन ऑन होगा। ठीक, जर्क लेगा, थोड़ा सा जर्क लेते होते हैं अक्सर क्योंकि ये डायरेक्ट एसी वाले सर्किट में लगती है। ठीक है, तो अपना जब ये स्टार्ट हो जाएगा कोई मसला नहीं, बस ये काम। अब यहाँ से एयर आनी चाहिए, यहाँ से मॉइस्चर आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इसकी रिलीज है, ये सारी मॉइस्चर यहाँ जमा होती रहती है, नीचे बेस में आना शुरू हो जाती है, और ये सिस्टम है सारा। फिलिंग प्रॉप गन में लगी, ये हाथों से टाइट हो गया, फिल्टर फ्रेश 10 20 30 सीज़न में आपने 2 दफ़ा फिल्टर काट के चेंज करके चेक करते रहें, ये चेक करने वाली चीज़ें होती हैं, आपने चेक करनी है। ये ब्लॉक तो नहीं है, ये ब्लॉक होगा गन भरेगा नहीं, वो आपने रिप्लेस करके इसे वक्फे वक्फे से आपने इसको चेक करते रहना है। ठीक हो गया, ब्लॉकेज इसमें आ सकती है। हेड पे ये टॉप पे हेड लगा हुआ है, स्प्रिंग है इसके अंदर, नीचे एक पिस्टन लगा हुआ है, वो उसमें कचरा आ जाता है, वो आपने चेंज करना होता है। ठीक हो गया, अच्छा गन आपने बटन ऑन किया, गन फिलिंग प्रॉप लगी हुई है, कंप्रेसर ठीक। अच्छा जब ये गन आपका डिजायर रिजल्ट 220 200 पे आ रहे हो, गेज आपने देखते रहना है, गेज आपकी इधर चलती रहेगी 220, गन की और इसकी सेम हो रही होती है, तो आप गन को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ खड़े होकर देखते हो कि इसके ऊपर क्या चल रहा है गेज के ऊपर। ठीक है, तो जब 220 पे आएगी तो चलती हालत में ही इसको रिलीज़ करना है, आपने बंद करके रिलीज़ नहीं करना, ये गलती नहीं करिएगा। जब आप बंद करेंगे तो इसके अंदर क्रैंक लगा हुआ है, ठीक है, वो रॉड है, रॉड क्या होगा, पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ, इसका सारा प्रेशर यहाँ आके बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने चलती हालत में बंद किया, फिर इसके बाद यहाँ से रिलीज़ किया, मतलब आपने बटन ही ऑफ करना, पहले चलती हालत में 220 होगी गन, यहाँ से लूज कर दिया, थोड़ी देर इसको ऑन रखें, यहाँ से सारा जितना भी है वो चल चल गया, जितना मॉइस्चर है निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा। साथ एक छोटा सा कपड़ा रखें, ब्लू कलर कोई भी कपड़ा ले लें, साफ साफ़ी ले लें, गाड़ी वाले कपड़े होते हैं उसके चार हिस्से बनाए, और यहाँ से इसको साफ़ कर देना, ये इसके मॉइस्चर सारी निकलती रहे निकलती रहे निकलती रहे, करके साथ ही लगा हुआ है वो, ये वाला साथ ही लगा हुआ है। आपने ये पंप की तरह जैसे ब्लीड करते हैं, इसको ब्लीड कराना है, ब्लीड करा के ये चलते रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जब 220 जा रहा हो, ये 60 भी देखना, टेम्परेचर भी 28 29 30 33 से जंप करता जाएगा,
वो जंप करने की वजह ये होती है कि लोग जो हैं वो पानी कम रखते हैं, ठंडा पानी नहीं होता, कोशिश करें बोतलें रखें फ्रिज में, वो डाल लें, गर्मियों सीज़न है, आजकल में चलाओगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सर्दियों में चलाएंगे इसका टेम्परेचर, वो पानी ऑलरेडी इतना कोरा होता है कि इसको टेम्परेचर का ऊपर नहीं जाता, तो गर्मियों में ये प्रॉब्लम आता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इसका टेम्परेचर तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो जाए। उसके लिए बेस्ट ये है या तो टूटी खोल के आप चला दो बाल्टी में, वो ठंडा पानी आता रहे निकलता रहे, इसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। 4 लीटर ये या 3 लीटर 4 लीटर स्कूबा भरता है, ठीक है, वो भी 4 वक्फे से, अपने इसको वक्फे वक्फे से दे के चलाते रहोगे तो ये बेहतरीन चलता रहेगा। अच्छा ठीक हो गया, अभी जो है अपना इसका जो है वो अभी क्या किया कि आपने ये चीज़ समझ ली, सारा सीख लिया, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके साथ अगली तीसरी वीडियो बताता हूँ, क्योंकि वीडियो 5 मिनट की हो गई है, वो मैं अब तीसरी वीडियो बताता हूँ इसके साथ आता क्या है, अब इसके मेंटेनेंस इसके मसले मसाइल क्या आ जाते हैं वो तीसरी वीडियो बनाता हूँ, वो तीसरी वीडियो देखें और चैनल मेरे को लाइक करें सब्सक्राइब करें, मैं जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा, इतना वो किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये वीडियो देखेंगे ना तो आप खुद ही उस्ताद बन जाएंगे सारे, कि कोई मसला नहीं आता, सारा किट का सारी की सारी किट जो है ना वो इसके साथ ही आती है। अभी तीसरी वीडियो बताता हूँ, तीसरी वीडियो में इसकी एसेसरीज़ क्या आती हैं, इसको करना क्या है, इसकी मेंटेनेंस कैसे करती करनी है, गन को फिलिंग भरने का तो तरीकाकार आ गया होगा कि गन भरते कैसे हैं, ठीक है, तो तीसरी वीडियो बनाता हूँ उसमें बताता हूँ करना क्या है। अब जब ये आपने बटन इसका ऑफ कर दिया, बटन ऑफ करने के बाद ये आपने इसका पाइप निकाला, ये इसका जो एग्जिट पाइप है, ठीक है, ये आपने ऊपर ही रखना है, पता चले ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, बाप पता ही ना चले ये चल ही नहीं रहा, टेम्परेचर आपने देखना है, तो आपने वो पाइप आप मुँह के साथ लगाएं, फूक मारें, रिवर्स पानी खाली करें और बाल्टी के अंदर डिप नहीं रहने देना, ये जो चीज़ होगी, ठीक है, ये आपकी बाल्टी से बाहर निकाल लेनी है। तो तीसरी वीडियो बनाता हूँ, तीसरी वीडियो में बताता हूँ कि इसको खोलना क्या है, कैसे है, इसके अंदर होता क्या है, तीसरी वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें मेरे चैनल को और मुझे अपना कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और कंप्रेसर के बारे में बेसिकली बहुत सारे कुछ चाइनीज़ होते हैं वो बोर होते हैं, वो हमें समझ नहीं आती, अंग्रेज़ी सालों को आती नहीं है, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल जो है वो अपना बताऊँ वीडियो, तो फिर मैं आपको अगली तीसरी वीडियो बताता हूँ कि इसमें आता क्या साथ करना क्या है और इसका डिटेल मैं आपको बताता हूँ, तो तीसरी वीडियो ज़रूर देखें।